बाबा जी हमारे पदमादरणीय दरबारी लाल यादव जी और उनकी धर्म पत्नी जी, उनसे भी आशीर्वाद लेते हुए एवं पूज प्रातः स्मरणीय पूज बाद परमेश्वर ईश्वर परमात्मा श्री शोभन सरकार महाराज के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए परम पूज गुरुवर प्रातः स्मरणीय कीर्तन सम्राट तथा श्री संतोष राही जी कानपुर, उनका भी आशीर्वाद लेते हुए 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन करते हुए उनकी पावन छवि को हृदय में विराजमान करते हुए सौभाग्य है हमारा कि प्रथम चरण में मैं प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। महामाई के श्री चरणों में आरती गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रथम चरण में कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका मिला। दूर दराज से आगंतुक जनता चलकर आ रही है, उनको भी हृदय से प्रणाम नमन वंदन कर रहा हूँ। देवी स्वरूपा माताओं बहनों के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए मंच पर मंचासीन हमारे परम सत्य एक अच्छे कीर्तन कलाकार दादा परम सत्य रामानंद सागर जी, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, एक बहुत अच्छे कीर्तन कलाकार। और आज हमारे दोनों कलाकारों के बीच में मन संचालन की भूमिका निभा रहे हैं, उनको सादर प्रणाम नमन वंदन कर रहा हूँ। आज की सहयोगी पार्टी की भूमिका में दूर दराज राठ हमीरपुर से चलकर आई बहन पूनम आजाद जी एवं उनके सक्षम साथियों को हृदय से नमन वंदन करते हुए परम आदरणीय पिताजी को हृदय से नमन वंदन प्रणाम करते हुए हम दोनों कलाकारों में एक तीसरे कलाकार हमारे साउंड सर्विस के ऑपरेटर साहब, वाकई आपकी सर्विस तारीफे काबिल है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपकी सर्विस है। और आपको आपके ऑपरेटर प्रोवाइडर दोनों लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। आप इसी क्षेत्र में नहीं देश विदेश में पहचाने जाए अपने साउंड के माध्यम से, अपने प्रोवाइडरी ऑपरेटरी के माध्यम से आपको हृदय से नमन है, नमन कर रहा हूँ। आज की रात जो हम दोनों कलाकारों को अपने कैमरे में कैद करेंगे भाई हमारे संजय चाचा जी फिरोजाबाद के एस म्यूजिक, उनको भी हृदय से नमन वंदन कर रहा हूँ। ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपने साथी कलाकारों को नमन वंदन धन्यवाद देते हुए जो कि आज की रात पुनः हमारा सहयोग करेंगे, कानपुर महानगर की बहुत ही छोटी सी पार्टी सचदेवा सनातनी एंड पार्टी, इस कार्यक्रम की पूरी समिति के पदाधिकारियों को हृदय से नमन वंदन करते हुए एक बार पुनः आगंतुक जनमानस को हृदय से प्रणाम नमन वंदन करते हुए अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही है। इस रात भर के कार्यक्रम में अगर हम बच्चों से कोई त्रुटियां हो जाएं तो अपना अबोध बालक जानकर क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। को लेकर हाँ बेटे, लेकिन उससे पहले जो लोग उधर खड़े हैं बैठने बढ़िया व्यवस्था है, माल्यार्पण का कार्यक्रम और महामाई की चुनरी भेंट करने का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इस औपचारिकता के तत्पश्चात कार्यक्रम अभिराम गति से चलेगा,
ईश्वर ने चाहा, महामाई ने चाहा तो किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा और कार्यक्रम सुचारू रूप से निरंतर चलेगा। भाई तालियां बजा दो, जोरदार तालियां। तालियां बजाते रहे, चूंकि तालियों से बड़ा सम्मान कोई नहीं होता है। कलाकार को दो ही चीज मिलती है, या तो ताली, फिर उसी से एक दुकान पर शब्द है, आप लोग स्वयं समझ लें। पकड़े रहो। हेलो 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 हेलो। परम पूज्य हमारे परम सद्य बाबा जी तरफ से हम सभी बच्चों का ये सम्मान हुआ है, ये प्यार मिला है, मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ और कार्यक्रम को शीघ्रता शीघ्र गति दे रहा हूँ, ताकि आप लोग ये ना महसूस करें कि जवाबी कीर्तन 11 12 बजे ही चालू होता है, उसको हम बिल्कुल जल्दी चालू कर रहे हैं। बिल्कुल, इस विधा को बदलना है। चलाओ बंदना गाने से पहले सचदेवा साथी कह रहा है। क्या क्या कह रहा बेटे? मैं जाऊंगा हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं दादा भाई रामानंद सागर जी, आपका भी सम्मान हमारे बाबा जी द्वारा होना है, आप आ जाइए दादा जी। और भैया जब स्वागत सम्मान हुआ करे तो आप लोग जोरदार तालियां बजा दिया करिए, इसमें कुछ घटेगा नहीं, बाकी हम ही को मिलेगा हम लोग अगर ताली बजा रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। पकड़े रहे चुनरी हमारे प्रजापति दादाजी पहना रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली आप बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप पकड़े रहना। आइए चलते हैं बिल्कुल कार्यक्रम की ओर। श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा कि बाबा जी राट हमीरपुर से आई हुई एक प्रख्यात सुविख्यात पार्टी पूनम आजाद एंड पार्टी के सभी सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, जिससे आगे चलकर कोई व्यवधान न हो। इसी क्रम में उस मंडल के सभी कलाकारों का माल्यार्पण और चुनरी भेंट का कार्यक्रम हो जाए। मैं चाहूंगा सभी कलाकार अपना अपना सम्मान प्राप्त करें और ये दर्शक दीर्घा से मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज दोनों स्वर के सरताज हैं और युवा कलाकार हैं। आज देखना है जबरदस्त मुकाबला, कोई किसी से कम नहीं है, दोनों तरफ से जबरदस्त दांव और पेच होंगे और इसमें कौन खिलाड़ी कौन सा दांव लगाता है ये आपको पकड़ना है। दोनों कलाकार बहुत चुन करके लगाए गए हैं, ये युवा कलाकार की जोड़ी एक यादगार बनी रहेगी। आप सभी लोग धैर्य के साथ कार्यक्रम का आनंद लें और तालियां बजा करके हौसला अफजाई करते रहेंगे। आइए, सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। जो लोग उधर खड़े हैं वो लोग आ जाएं, इधर जगह है, आगे आ जाइए, आगे जगह पड़ी हुई है।
बढ़िया दिए, बढ़िया बिछा है, परेशान ना हो। अगर आपको ये लगे कि नहीं सचदेवा सनाती ऊपर खड़े होकर गा रहे तो हम लोग नीचे गाने लगेंगे, लेकिन बस आप लोग बैठ जाएं। बिल्कुल, आप लोग आदेश तो करें। जोरदार तालियां बजाते रहिए भाई। कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए आपकी तालियां टॉनिक का काम करती हैं। देखिए भाई, जो लाइट व्यवस्था देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि अगर आपका जनरेटर लोड नहीं उठा रहा है तो उसका एक विकल्प भैया सुझा गए हैं भाई साहब कि जो ये बड़ी वाली लाइटें लगी हैं इनसे असुविधा हो रही, जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर कीड़े गिर रहे हैं। अगर ये लाइटें ऑफ कर दी जाएं तो वोल्टेज बढ़ जाएगा अपने आप, अगर ये संभव हो तो करके देख लीजिए। आइए, दोनों तरफ सम्मान का कार्यक्रम हो गया है और मैं चाहूंगा कि आज के ये कैमरामैन भाई संजय जी जो इन दोनों कलाकार की आवाज और सब एक्टिविटी को कैद कर रहे हैं, आपका स्वागत सम्मान करें बाबा दरबारी जी। जोरदार तालियां। देखिए साउंड सर्विस एक कुछ दूर तक आवाज पहुंचा रही है, लेकिन भैया संजय जी अपने कैमरा के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का काम करेंगे। आइए, कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है कि इधर है आयस के सम में उधर दिल के चिराग हैं, इधर है आयस के सम में उधर दिल के चिराग हैं। देखना ये है कि माँ का प्यार किधर जाता है, देखना ये है कि माँ का प्यार किधर जाता है। दोनों माँ के दुलारे बच्चे हैं, दोनों अपने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करेंगे, दिखाएंगे और उन प्रतिभाओं को आप सम्मान देंगे तालियों के साथ। आइए, इस व्यवधान के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भैया सचदेवा जी अपना कार्यक्रम शुरू करें, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, जा जा भैया माला पहन लो जाके। चल आओ वंदना को लेकर, उससे पहले गजानन भूत गड़ा दिसे वितम कपित जंबू फल चारु बाछड़म उमा सुतम शोक विनाश कारगम नमामि बिघ्ने स्वर पाद पंकजम। वक्र तुंड महाकाय कोटि सूर सम प्रवाह निर्विघ्न कुर मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा ए जयति नमोस्तुते। ओम रामात्मा परम ब्रह्म सर्वाधिष्ठा स्वयं गुरु यशोद प्रभावेण सोषयामि भवार्धिम। ओम नमो नित्यं परमहंसं गुरु श्री चंडिकायै नमो नमः। ओम नमो जानवी पांडव सिद्ध पीठम बक्सरम श्री चंडिका मंदिरम नमः। ओम नमो नित्यम समाधि गुरु नमो नमः शोभन मारुत नंदनम। ओम नमो गुरुजनम देव ईशम नमः शोभन मंदिरम। प्रथम चरण में परम पूज्य दादा हमारे दरबारी लाल यादव जी, आप तरफ से एक पुष्पमाल महामाई की ये चुन्नी
और 115 आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए थे और 51 मुद्राएं दिलीप यादव मारे भैया दिलीप भैया की तरफ से 51 रुपए प्रथम चरण में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मां माई जो भी अपने दान पात्र से, जो भी अपनी मेहनत की कमाई से ये दान कर रहे हैं, ये पुरस्कार दे रहे हैं, मां माई उनके अंग संग रहे, उनको संपदा से, सद्बुद्धि से हमेशा संपूर्ण रखें, यही कामना मां माई से कर रहा हूं और चल रहा हूं वंदना को लेकर। बिल्कुल हमारे परम सते दुर्गा मंदिर प्रबंधक जो अभी संचालन का कार्य कर रहे थे, हमारे हमारे भैया विमल प्रजापति जी, आप 51 रुपए आशीर्वाद स्वरूप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मां माई हमेशा आपके अंग संग रहे, कृपा बनाए रखें। कहना ये रमेश चंद जी सभासद पत्नी बेला क्या मतलब दादा थोड़े परेशान, ये भाई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं हमारे रमेश चंद जी भैया पत्नी खेड़ा, आप तरफ से 151 रुपए आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भैया हमारे बीनूपाल सईदा आज 151 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए वंदना को लेकर चल रहा हूँ। चलो बेटे गुप्ता कुटी, ये हमारे सुरेंद्र कुमार जी कुटी आज तरफ से 100 रुपए आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहते हैं कि वंदना दौर में फिल्मी दोनों का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसा कुछ कलाकार कह रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर कीर्तन हो रहा है तो दोनों का महत्व तो बहुत जरूरी हो रहा है। बिल्कुल। और अगर नहीं होता तो हर कलाकार फिर फिल्मी तर्जों पर वंदना क्यों गाता। तो सचदेवा सारथी कह रहा है कि कुछ तर्जे जो वंदना का कार्य कर रही है उन तर्जों का प्रयोग हो रहा है और फिल्मी दुनिया ने तर्ज गाई, बहुत सुंदर सी धुन गाई। कौन सी? के जिसके सर पे ममता की दुआएं हैं, भाई साहब मेन माइक बढ़ा दो भैया, देखो ये फिर दब गया। हमारी माताएं बहने जो कार्यक्रम को सुन रही है, मन लगा के सुनेगा, आनंद आएगा सही रात। ये विश्वास संदेवा साथी दिला रहा है, जिसके सर पे ममता की दुआएं हैं, जिसके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनकी माए हैं, किस्मत वाले वो है जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो है जिनकी माए हैं, जिंदगी
अपना बनाती है, लोरी सुनाती है, अपना बनाती है। कम हो जाता है क्योंकि हमें पता है इसमें आपकी गलती नहीं है। पावर जब नहीं मिलेगा तो मशीनें भी काम नहीं करेंगी, लेकिन इसको आप दबाते रहना, बढ़ाते रहना, तो हम प्रथम चक्र पूर्ण कर लेंगे। बाकी आ जाएगा, ये महामाई की कृपा है, पावर भी आ जाएगा और बढ़िया कार्यक्रम भी चलेगा। पहली बात में सचदेवा साथी कह रहा है, क्या क्या कह रहा बेटे? स्वर सा सजाओ सजाओ माँ, आवाज सजाओ माँ, साज सजाओ माँ, आवाज सजाओ माँ। ए नाम तुम्हारा जब जब लू आ जाओ माँ, आज आओ माँ, जब जब तुम्हारा नाम लिया जाए आ जाओ माँ, और आज आओ आओ माते आओ। नाम तुम्हारा जब जब लू आ जाओ माँ, ए आज आओ देवा साथी कह रहा है, क्या? अरे तेरी कृपा से सरगम का सा गालू मां, बढ़िया बनाने वाली ने क्या से क्या बना डाला, क्या बात है बड़े? लाल पीला हरा सुनहरा बना डाला, अरे जीने को दी जिंदगी, जीने का आसरा बना डाला, लेकिन किसी को बनाया तान से तो किसी को बैजू बाबरा बना डाला। पहली बात मैं कहना, क्या? तेरी कृपा से सरगम का सा गालू मां, छंद सवैया अलंकार को पालू, छंद सवैया अलंकार को पालू मां, छंद सवैया अलंकार को पालू मां। अरे ज्ञान का दीप जला कर मां मान देती हो अपने भक्तों, अपने भक्तों को माँ अलग पहचान देती हो। वो आगाज देख हेलो 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 हेलो, वो आगाज भी लाओ माँ, अंदाज भी लाओ माँ, ये नाम तुम्हारा जब जब लू आ जाओ माँ, ए आज आओ माँ।
भक्तों की सदा बिगड़ी बनाई है आपने, भक्तों की सदा बिगड़ी बनाई है आपने, भटके हुओं को राह दिखाई है आपने, है बड़ा सहारा के दर्शन कभी दिखा दोगी, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दोगी। कहना क्या? अरे वाद यंत्रों की माता रुझानों में, मैया अरे वाद यंत्रों की माता रुझानों में, आप लोगों को हमारी बात सुनाई पड़ रही है, आवाज आ रही है, किसको किसको आवाज आ रही है, हाथ उठाइए, सही सही उठाइएगा, सही सही उठाओ, आवाज आ रही है, बस ठीक है, आप लोग सुनते रहे, बाकी जैसे ही एक दो चक्र होएंगे ऑटोमेटिक सब सुधार हो जाएगा, बिल्कुल आप सिर्फ गाना सुनते रहे। वादी अंतरों की माता रुझानों में, अरे तान सेन के गानों और तानों में, तान सेन के गानों और तानों में, तान सेन के गानों और तानों में। आखिर महामाई का निवास कहाँ कहाँ मिलता है? कबीरा की बाड़ी में, नस नस में, कबीरा की बाड़ी में, तल की नस नस में, नारद की वीणा में, तुलसी की मानस में, तो अब लाज बचाओ सचदेवा साथी कह रहा है, मैया मैया तेरी आंचल श्याम पले, यानी कन्हैया, क्या बात है बेटा, तेरी आंचल श्याम पले वो अवधपति, तेरी आंचल श्याम पले वो अवधपति, अरे तेरी कृपा से है सचदेवा सरा, अरे तेरी कृपा से है ये माए भैया निरहुआ रिक्शा वाले हैं, बिहार से भी चले, आपकी पिक्चर बहुत चली, बहुत बढ़िया, आज 10 से 11 रुपए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तेरी कृपा से है सच देवा सरारती, अरे मैं जिसमें हूँ तू श्रोता बंधु, कीर्तन प्रेमी बंधु, कीर्तन कलाकार बंधु, सभी को मैं अपनी ओर से प्रणाम कर रही हूँ।
सभी से आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। नमन की श्रृंखला में नमन है आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय बड़े भैया हमारे श्री दरबारी लाल जी, जिन्होंने इतना पावन दरबार सजाया है। माता रानी सदैव आपके अंग संग बनी रहे, आप पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मैया से कामना करती हूँ। बड़े भैया को अपने ओर से प्रणाम है। आदरणीय भाभी जी को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ, उनसे भी आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। नमन की श्रृंखला में नमन है आज के इस कार्यक्रम में सहयोगी पार्टी की भूमिका का निर्वहन करने वाले आदरणीय बड़े भैया हमारे श्री सचदेवा शरारती जी एवं उनके सभी सक्षम और कुशल साथियों को मैं अपनी ओर से प्रणाम कर रही हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। नमन की श्रृंखला में नमन है आज हम दोनों कलाकारों के बीच तीसरे कलाकार की भूमिका में है, जिनके माध्यम से हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। बहुत ही सुंदर से सन व्यवस्था के ऑपरेटर महोदय जी को हमारी ओर से प्रणाम है, धन्यवाद है आपकी व्यवस्था को, और निवेदन है कि बोलने में ये माइक आपका आवाज खींच रहा है, इसको आप देखें। प्रणाम की श्रृंखला में प्रणाम है इस कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे आदरणीय चाचा हमारे श्री संजय चाचा जी के एस म्यूजिक फिरोजाबाद, आपको मेरी ओर से प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। आदरणीय बड़े भैया हमारे वीरपाल भैया, आदरणीय बड़े भैया हमारे राम विनोद भैया, आदरणीय हमारे शर्मा जी, बड़े भैया वर्मा जी, सभी को मैं अपनी ओर से प्रणाम कर रही हूँ, सभी से आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और नमन की श्रृंखला में नमन है आज इस कार्यक्रम, इस मंच का संचालन कार्य संभाले हुए आदरणीय सम्मानी बड़े भैया हमारे संचालक महोदय जी को मेरी ओर से प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आपसे भी आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सभी को प्रणाम करते हुए, माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए, उनसे भी आशीर्वाद लेते हुए, आशीर्वाद की कामना करते हुए, ये बुंदेलखंड की सबसे छोटी पार्टी पूनम आजाद एंड पार्टी राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत है। हेलो हेलो हेलो, चलो भैया चांटी को देखिएगा, थोड़ा ट्रबल डालिए उसमें, देखो खाना बिल्कुल बंद हो गया। भैया थोड़ा ट्रबल डालिएगा चांटी चांटी वाले माइक में। नमस्तस्यै नमो नमः। निवेदन है इस माइक को मैं इस पर लगा दे ताकि आगे का कार्यक्रम शुरू हो सके। आप ही कर दो, कर दो, फट कर दो, मिर्च के ऊपर कर दो, पैर में लगा दो, लगा दो। चलिए बेटा क्या बेटा कहना है माता रानी से क्या क्या बा, आज हम सब लोग तुम्हारे दरबार में एक साथ उपस्थित हुए हैं, और माँ जब तेरे ये सभी भक्त एक साथ तेरे दरबार में आए हैं, मैं भी इनके साथ तेरे दरबार में आई हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ तुमसे क्या बेटा
कि माँ आवाज रह गई हूँ आजाद नवाजा है सबको अपने कर्म से पर मैं ही तेरे कर्म की मोहताज जब मैं ही तेरे कर्म की मोहताज रह गई हूँ तो आज अपनी इस बेटी पर कर्म की नजर करना क्योंकि मैया तुम तो जानती हो ना मैं गाना जानती हूँ ना बजाना जानती हूँ ना बेटा कुछ नहीं जानती फिर भी गाने के लिए खड़ी हूँ तो निवेदन तुमसे कर रही हूँ कि माँ आज इस रात्रि में इस सभा के बीच चलो बेटा के माँ वाणी वाणी में निवेदन है माँ के मेरे कंठ में कंठेश्वरी मेरे कंठ में कंठेश्वरी कोयल के स्वर भर दो ये तुम्हारी वाणी वाणी में अमृत निवेदन कर रही हूँ माँ से क्या माँ आज इस रात्रि में ऐसी कृपा करना के मेरी बुद्धि में मैया निवेदन है माँ के मेरी बुद्धि में मैया भंडार हो अक्षर के मेरी बुद्धि में अक्षरों के भंडार हो ताकि उन अक्षरों से शब्द बना पाऊँ और शब्दों से कविता की रचना कर पाऊँ और तेरे इन भक्तों को सुना पाऊँ इसलिए माँ और माँ रचना में उमा भारती रचना में उमा भारती सार दे
हेवा के लिखूं जो मैं लेखनी में लिखूं जो मैं लेखनी में साहित्य सागर भर दो चरणों में पढ़ रही हूँ, माँ से निवेदन कर रही हूँ, निवेदन है आने जाने वाले भैया लोगों से कृपया शांति बनाए रखें। कहना है मैया से कि माँ तेरे जितने भी भक्त हैं यहाँ हैं, जितने भी भक्त इस दुनिया में हैं, तेरे जितने भी भक्त इस दुनिया में है तो अपने सभी भक्तों पर ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना कि तेरे इन भक्तों के कभी कदम उठे ना। ए माँ निवेदन है तेरे इन भक्तों के बदी के रास्ते पर इन भक्तों के कदम कभी ना जाएं। और मैया जब हाथ उठे मैया जब जब भी ये हाथ उठे तो जब हाथ उठे मैया तो तेरी मैया तुम्हारी वंदना के लिए उठे, ऐसे ये हाथ किसी पर ना उठे। कहना है माँ से कि माँ के आजाद के हाथों में, आजाद के हाथों में बस इतना हुनर भर दो। एक बार प्रेम श्लोक सच्चे दरबार की जय हो।